हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन भाई बंधुओं के लिए है जिन्होंने आरओ 2019 का प्री का एग्ज़ाम दिया है और उनका प्री का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ है और अब ये सारे कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में टाइपिंग मैटर किस तरीके का आ सकता है और आप अपनी टाइपिंग कैसे करें, कहां से तैयार करें जिससे आपको टाइपिंग टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग 100% सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, पहले भी आप लोगों से मैंने बोला था, आज फिर कह रहा हूं, आप लोगों के नंबर भले ही कट ऑफ के बिल्कुल आसपास हों और कैसे भी करके रिजल्ट आए तो आप लोगों का मान लो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, मीन्स आप लोग अब टाइपिंग देने जा रहे हो, तो भले ही आप लोगों के मार्क्स हैं वो कट ऑफ के बिल्कुल निकट हैं, फिर भी आप लोगों को टाइपिंग की प्रिपरेशन आपको बेहतरीन तरीके से करनी है। क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो प्री में टॉप स्कोरर होता है फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसकी टाइपिंग ख़राब होती है। लेकिन मेरा कहने का ये भी उद्देश्य नहीं है कि जो भी टॉप स्कोरर होता है उसका फाइनल सिलेक्शन होता नहीं है, बिल्कुल होता है अगर वो टाइपिंग पर भी ध्यान देता है तो। ठीक है ना, जबकि वो कैंडिडेट जो कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक होता है वो अपनी बेहतरीन टाइपिंग की वजह से फाइनल सिलेक्शन ले लेता है। तो आप लोग टाइपिंग ज़रूर करते रहिए और आपको टाइपिंग कहाँ से करनी है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक टाइपिंग करना स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आप लोग सबसे पहले टाइपिंग की ऑनलाइन वेबसाइट है 10 Fast Finger, उस पर जाकर के अपनी स्पीड को इम्प्रूव करें। इस वेबसाइट पर आप लोग 1 मिनट का टेस्ट दे सकते हैं और 1 मिनट बाद आपकी टाइपिंग का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा आ जाता है और आपको वर्ड काउंट करने की सिरदर्दी नहीं रहती और इसमें एक्यूरेसी भी बताता है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी से आप लोगों ने टाइपिंग की है। ठीक है ना, और इन सब फैसिलिटीज़ की वजह से आप लोगों का मन जो है वो टाइपिंग में ज़रूर लगता है और आप इस टाइपिंग टेस्ट को एक गेम की तरह ट्रीट करते हो और हर 1 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के बाद आप लोग ये सोचते हो कि अब की बार मुझे इससे बेहतर स्पीड अचीव करनी है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत जल्दी ही बढ़ जाएगी और आपकी स्पीड जब तक 45 प्लस ना हो जाए तब तक आप लोगों को इसी वेबसाइट पर टाइपिंग करनी है। ठीक है ना, और जब 45 प्लस हो जाए उसके बाद आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसमें एडिटोरियल का सेक्शन होता है, उससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ डेली कम से कम 5 जजमेंट तो टाइप करने ही हैं। ठीक है ना, अब आप ये सोच रहे होंगे कि द हिंदू एडिटोरियल से टाइपिंग करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल में थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं और जब आप उन वर्ड को टाइप करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन आपको कैसे भी करके द हिंदू एडिटोरियल से टाइपिंग करने पर अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको 45 प्लस करना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग जो करोगे 10 Fast Finger पर वो तो 45 प्लस ईजिली हो जाएगी, लेकिन द हिंदू एडिटोरियल पर अगर आप लोगों ने 45 प्लस कर ली तो समझ लो आप लोगों ने जंग जीत ली। ठीक है ना, और अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए ना तो फिर समझ लीजिए कि आपका आरओ बनने का सपना साकार हो ही गया। ठीक है, लेकिन आप 100% सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब आप एडिटोरियल के साथ 5 जजमेंट डेली टाइप जरूर करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक जजमेंट को आप लोगों को 11 से 12 मिनट में टाइप करने की कोशिश करनी है और जजमेंट में आपको अप्रॉक्स 500 वर्ड ही टाइप करने हैं, क्योंकि कोई जजमेंट 1000 वर्ड का भी हो सकता है, 2000 वर्ड का भी हो सकता है और कोई जजमेंट ऐसा भी हो सकता है जो 300 वर्ड का भी हो। ठीक है ना, तो आपको 500 वर्ड का जजमेंट टाइप करना है और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है ना, तभी आप 50 में से 50 मार्क्स अचीव कर पाओगे और 50 में से 50 मार्क्स के लिए 100% एक्यूरेसी ज़रूरी है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप लोगों को बैक स्पेस का जो बटन है उसको कीबोर्ड से हटा देना है, क्योंकि जब तक हमारे कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होगा तब तक हम लोग उसे यूज करते रहेंगे और हमारी एक्यूरेसी 100% कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये सारे काम अगर आपने कर लिए और 100% मार्क्स आपने अचीव कर लिए, मतलब 50 में से 50, मान लो 50 में से 50 नहीं आ पाए, मान लो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी गई, आप लोग वैसे तो कोशिश करना कि मिस्टेक हो ना, लेकिन मान लो 50 में से 45 प्लस अगर आपने मार्क्स अचीव कर लिए तो फिर आप अदर कैंडिडेट से बहुत आगे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सकेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि टाइपिंग मैटर कैसा आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के कोई भी जजमेंट डाउनलोड करना है और उसे ही टाइप करके देखना है,
अब जान लेते हैं कि जजमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम पर जाना है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइप करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गूगल क्रोम पर, अब इसमें सर्च करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें सर्च करना है, तो देखिए मैंने कर लिया, सबसे ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। अब देखो नीचे आ रहा है ये www.allahabadhighcourt.in, इस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद देखो यहाँ पे एक जजमेंट ऑर्डर लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पे जजमेंट ऑर्डर्स आ रहा है, इस जजमेंट ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के हमारे सामने आएगा। उसके बाद हम लोग ये तीसरा वाला ऑर्डर खोलते हैं, आप लोग कोई सा भी ओपन करके देख सकते हो। अब इसमें देखो 854 ये कैप्चा फिल करना है हमें, 854832, ठीक है। अब सबमिट करेंगे तो ये ओपन होकर के आ गया है हमारा, ठीक। तो दोस्तों ये है हमारा हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद का जजमेंट ऑर्डर, ठीक। तो आप लोग इसको टाइप करिए और इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे देखो अब इसमें आप लोगों को फॉर्मेटिंग क्या है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। देखो a.f.r, तो इसमें डॉट लगाना सीखना है आप लोगों को, तो डॉट वाला की उसमें देख लेना अपने कीबोर्ड पर, ठीक है। और बार बार आप लोगों को कैपिटल स्मॉल करने पड़ेंगे लेटर वो। उसके बाद देखो केस, अब ये साइन लगे हुए हैं ये डैश का और ये रेशियो का, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारे के सारे साइन उस कीबोर्ड पर देखने हैं, कहाँ से कौन सा साइन बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर्स में ये आप लोगों को कंपलसरी देखने ही देखने हैं। तो यही फॉर्मेटिंग है और कुछ फॉर्मेटिंग नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें कुछ बोल्ड होंगे, कुछ लेटर बोल्ड होंगे या इटैलिक होंगे, तो आप लोगों को इनकी शॉर्टकट की याद रख लेनी है, ठीक है ना, कंट्रोल बी या जो भी है मतलब, ठीक है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अब देखो जैसे केस रेट फिर डैश सी नंबर फिर डॉट, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है। और इसमें एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसमें नंबर्स का बहुत यूज़ किया जाता है और आप लोग जो टाइपिंग करते हो उसमें नंबर्स बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इन जजमेंट को टाइप ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने ये जजमेंट अच्छे से टाइप कर लिए तो फिर आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट RO या फिर ARO इनमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है टाइपिंग टेस्ट को लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से ये डाउनलोड करके और इनको अनलिमिटेड यहाँ पे जजमेंट ऑर्डर मिल जाएंगे आप लोगों को इन साइट्स पे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है इन टाइपिंग करने में या स्पीड बढ़ाने में कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। और अभी तक भी मैंने पूरी पूरी कोशिश की है अपने हर एक सब्सक्राइबर की, हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की, और आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।